हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत टेक एक्टोपीडिया। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं, जिससे मुझे नोटिफिकेशन मिल सके नया वीडियो बनाने के लिए और मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई जाए वो वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके फ्रेंड्स सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फसलों के ब्यौरा की रिपोर्ट के बारे में। जो पटवारियों ने जो रिपोर्ट बनाई है या सत्यापित की है उसकी जानकारी हम, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप अपने खेत का खसरा नंबर या फिर नाम से ब्यौरा देख सकते हैं कि किस खेत पर आपकी कौन सी फसल जो है सत्यापित की गई है, उस कैसे उचित मूल्य पर बेच पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आज मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे इसे अपने मोबाइल से फ्रेंड्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की मेनू खोलनी है। फ्रेंड्स, आप इसको अपने फ़ोन पर ही घर बैठे फ़ोन पर, कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी भी उस पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फ़ोन पर देखने के लिए बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपको अपने फ़ोन की मेनू खोलना है। फ्रेंड्स, जैसे ही मेनू खोलेंगे तो आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्रोम ब्राउज़र जो है आपका, वो क्रोम ब्राउज़र आपको यहाँ से फ्रेंड्स ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा गूगल खुल के आ गया है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ MP भूलेख .gov.in। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सर्च कर लिए और जैसे टॉप पे आ गया है एक ऑप्शन, तो मैंने फ्रेंड्स सिंपली इस पर ही क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ गया आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का इंटरफेस जो है खुल के आ जाएगा जब आप साइट डालेंगे mpbhulekh.gov.in। तो फ्रेंड्स, ऐसा डालने के बाद एक ऐसा जो इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3 डॉट जो दिख रही हैं, तो आप राइट साइड में जो 3 डॉट दिख रही हैं, 3 लाइनें दिख रही हैं फ्रेंड्स, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फ्रेंड्स, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी इस पर जानकारियाँ आ जाती हैं, कुछ ऑप्शन वगैरह आ जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि टॉप पे लिखा है होम, आप होम पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स जहाँ से अभी आपने 3 डॉट पे क्लिक किया है वहाँ पे बैक हो जाएंगे। पब्लिक यूज़र लिखा है फ्रेंड्स, जिसकी यहाँ पे ID बनी होती है वो पब्लिक यूज़र, वो इसमें अपनी यूज़र ID डाल के इस पर वर्क कर सकता है, इसकी सारी डिटेल्स ले सकता है फ्रेंड्स। वो तीसरा जो ऑप्शन मिलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्री सर्विसेज का, तो फ्रेंड्स आपको फ्री सर्विसेज पे ही क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने भी फ्री सर्विसेज पे ही क्लिक कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक विंडो ओपन हो के आ गई है जिसमें लिखा है निःशुल्क सेवा नियंत्रण पटल। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि खसरा बी, नक्शा प्रतिलिपि, फसल का ब्यौरा रिपोर्ट, तहसीलवार भूमि उपयोग का सारांश और विविध रिपोर्ट। और यहाँ पे थोड़ा स्वाइप करके देखेंगे तो आवेदन पत्र, भूमि वर्गीकरण रिपोर्ट, भू नक्शा, खसरा बी, माइग्रेशन पूर्व प्रतिलिपि। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें से जो चीज़ भी आपको इधर से देखनी है तो आप उसको देख सकते हैं इधर। फ्रेंड्स, डाउनलोड का आ जाता है ऑप्शन यहाँ पे, शासकीय खसरा रिपोर्ट, सरकारी जो खसरा की रिपोर्ट होती है वो चेक कर सकते हैं, और रोस्टर यहाँ से आप फ्रेंड्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली क्लिक करना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, खसरा बी वन नक्शा प्रतिलिपि पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने भी खसरा बी वन नक्शा प्रतिलिपि पर फ्रेंड्स क्लिक कर लिया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, तो ये थोड़ा यहाँ पे फ्रेंड्स सर्वर की प्रॉब्लम है, ये अभी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको खसरा B1 प्रतिलिपि पे ही क्लिक करना है। जैसे आप फ्रेंड्स उसको क्लिक कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है जो खुल के ऐसे वो है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस खुल के सामने आ गया है। यहाँ पे जिला पूछ रहा है, तहसील पूछ रहा है और पटवारी का हल्का और गाँव का नाम। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें जो है इस पर फिलअप कर लेनी है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने जिला पे क्लिक की, फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सारी की सारी जो है अपना डिटेल्स वो फीड कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, आप भी कर लें, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स जो है फिलअप करने वाला हूँ। मैं ज़िला टीकमगढ़ का हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ से ज़िला टीकमगढ़ सेलेक्ट कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ज़िला टीकमगढ़ है, तो मैं ज़िला टीकमगढ़ यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। फ्रेंड्स, अब सेकंड ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो मिल जाता है तहसील का, तहसील सेलेक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अपनी तहसील सेलेक्ट कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ से तहसील भी उसमें अपनी सेलेक्ट कर ली है। अभी कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए हैं, इस पर मैंने क्लिक किया है। तो मैं निवाड़ी तहसील का हूँ, यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे निवाड़ी में सेलेक्ट कर लूँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे पटवारी का जो हल्का आ रहा है वो हल्का सेलेक्ट करना पड़ेगा।
तो हल्का मेरा जो है वो उमरी का है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से उमरी देख लूँगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे उमरी या भमौरा, फ्रेंड्स मेरा हल्का जो है भमौरा का है फ्रेंड्स, तो मैं भमौरा खास से दिख रहा है, तो मैं यहाँ से भमौरा खास पे क्लिक कर लूँगा फ्रेंड्स। जैसे ही मैंने क्लिक कर लिया तो फ्रेंड्स यहाँ गाँव के लिए पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर गाँव मेरा उमरी है, तो मैं उमरी सेलेक्ट कर लूँगा इधर से। तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से सारी डिटेल जो है उसको फिलअप करना है, और फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है आपको सेलेक्ट करना है, खसरा नंबर याद है तो खसरा नंबर से देख सकते हैं, और खसरा नंबर याद नहीं है तो भूस्वामी पे क्लिक करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। एक्चुअली मेरा मुझे खसरा नंबर याद है, तो मैं यहाँ पे खसरा नंबर पे क्लिक करके खसरा नंबर से देख सकता हूँ उसको फ्रेंड्स। इस तरीके से आप खसरा नंबर पर टिक कर लेना है आपको फ्रेंड्स। खसरा नंबर याद नहीं है तो आप भूमि स्वामी से भी इस क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने खसरा नंबर से यहाँ पे सेलेक्ट किया है, अभी यहाँ पे एक कैप्चा कोड आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे एक कैप्चा कोड फिलअप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स से अपना जो कैप्चा कोड है वो फिलअप कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपना कैप्चा कोड जो है फिलअप कर लिया है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे खसरा का चयन करना है, खसरा संख्या डालनी है फ्रेंड्स। तो मेरा 362/2 है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से 362/2 कर लूँगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 362/2 है, तो मैंने 362/2 को फ्रेंड्स क्लिक कर लिया है। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे कैप्चा अगेन डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से कैप्चा डालूँगा फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे कैप्चा डाल लिया है, अब आपको सिंपली क्या करना, विवरण पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आप देख रहे हैं मैंने विवरण पर क्लिक कर लिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ आगे की प्रोसेसिंग जो है वो आगे बढ़ चुकी है। तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से सारी की सारी जो डिटेल्स है उसको फिलअप करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन मिल जाता है विवरण देखें, तो विवरण देखे पे फ्रेंड्स आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप विवरण देखे पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है जो डिटेल्स है वो सारी की सारी डिटेल्स वापस वो यहाँ पे दिख जाएगी। या फ्रेंड्स कुछ सर्वर प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे पूरा खुल के नहीं आया फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे भूस्वामी पे क्लिक कर लूँगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपने देखा कि मैंने भूस्वामी पे क्लिक कर लिया है, खसरा नंबर से यहाँ पे एक्चुअली दिख नहीं रहा है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे भूस्वामी सेलेक्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भूस्वामी का चयन करना है, तो यहाँ पे भूस्वामी बेस पे क्लिक करना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको। तो आपके जिस नाम से इधर आपकी ज़मीन हो, तो फ्रेंड्स आपको वो सर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि सारी की सारी जो है यहाँ पे भूस्वामियों के नाम आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे मुझे देखना है अपना, तो मैं यहाँ पे अपना देख लेता हूँ फ्रेंड्स। एक्चुअली मेरा खसरा नंबर 362/2 है फ्रेंड्स, लेकिन वो उससे देख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ से नाम से सर्च कर लूँगा फ्रेंड्स। तो इधर देखता हूँ फ्रेंड्स, इसमें मेरे जो पिताजी या वो फैमिली वाले चाचा जी, तो उनके नाम होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं उसको जब तक देख लेता हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आगे आपको देख। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यहाँ पे जो है मेरे पिताजी चाचा जी उनका नाम यहाँ पे आ गया, तो मैं फ्रेंड्स इसको यहाँ से ऐसे ही सिलेक्ट कर लूँगा फ्रेंड्स। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आपने देखा, उसके बाद मुझे यहाँ पे कैप्चा जो है कैप्चा फिलअप करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नॉर्मली यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर लेना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं यहाँ पे मैंने कैप्चा अपना फिलअप कर लिया है, यहाँ पे ऑप्शन आया विवरण देखा, फ्रेंड्स यहाँ पे विवरण देखेगा नंबर मुझे मैंने क्लिक कर दिया। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे खसरा विवरण जो है वो खसरा विवरण मेरा सारा का सारा यहाँ पे आ गया है। तो खसरा संख्या मेरी यहाँ पे 167/4 है, 167/6 है, 70/2 है और 70/3 है। तो फ्रेंड्स मुझे देखना है जो फर्स्ट वाला दिया गया है 67/4 का, तो फ्रेंड्स यहाँ पे खसरा का क्षेत्रफल भी दिया गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं देखिए मैं एक ऑप्शन आ रहा है खसरा B1 का नक्शा का, तो फ्रेंड्स मुझे खसरा देखना है, तो मैं यहाँ से फ्रेंड्स खसरा पे क्लिक कर लूँगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने खसरा पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे जो प्रोग्रेसिंग है वो आगे बढ़ गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो खसरा है वो मेरा खसरा जो सारी की सारी खसरा की डिटेल्स फ्रेंड, तो वो इस तरीके से यहाँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे जो खसरा नंबर है वो खसरा नंबर मेरा यहाँ पे ओपन होकर फ्रेंड्स आ गया है। तो जैसा कि आप डिटेल्स देखना चाहते हैं, मेरा यहाँ पे खसरा नंबर 67/4 है फ्रेंड्स, मेरा गांव का नाम उमरी है और हल्का मेरा भमौरा खास है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा जो फसल का ब्यौरा दिया गया है, इसमें यहाँ पे लिखा है उड़द और गेहूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी फसल का जो है क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ पे दो फसली क्षेत्रफल दिया गया है फ्रेंड। फसल का चालू वर्ष की पड़ती यहाँ पे दी गई है, 2 से 5 वर्ष तक की पड़ती फ्रेंड्स यहाँ पे दी गई है। और खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल ये 11 है फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स कैफियत में लिखा है, यह जमीन सिंचित है, सिंचाई कुआ कच्चा निजी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सारी की सारी डिटेल्स वो आ गई है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी, आपकी जो फसल है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। और फसलों के ब्यौरा की रिपोर्ट के बारे में पटवारियों ने जो रिपोर्ट बनाई है या सत्यापित किया फ्रेंड्स, उसकी जानकारी आप इधर से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद, धन्यवाद करो।